महाकाल का नाम रखा है। जय महाकाल, जय महाकाल। वही मंदिर दर्शन हुए, उसके बाद हम निकले। ये छिपरा नदी है, नदी के यहाँ पे मंदिर बना रखा है, यहाँ पे भी पूजा हो रही है। दूर आके हम खाना खा रहे हैं, वो भी क्या, दाल रोटी, इसकी वजह से। और यहाँ से ये है बाहर का व्यू, बहुत अच्छा दिख रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम उज्जैन पहुँच गए हैं और ऑनलाइन हमने होटल बुक कर लिया था। तो अभी ये है, रात के बज रहे हैं 8:30, और अभी हमें बस ये है कि चेक इन करना है होटल में, और फिर उसके बाद सुबह देखते हैं, पूजा पाठ वगैरह बहुत कुछ कराना है सुबह तो, और फिर बाबा के दर्शन भी करने हैं, महाकाल बाबा के। तो बहुत महीनों से, क्या कई सालों से सोच रहे थे, आए पर आ ही नहीं पा रहे थे। अब जाके आज आखिर पहुंच गए। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो फाइनली होटल के अंदर हमने चेक इन कर लिया है, और अब बस खाना खाना है। खाना खा के सोएंगे, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। तो आपको मैं सुबह मिल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 8:30, और मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ, अपना सूट वूट पहन लिया है। तो ये है हमारा रूम जहाँ पे हम रुके थे। बहुत बड़ा रूम है, अच्छा रूम है, यानी कि मैंने सोचा था इंदौर छोटा शहर है, तो छोटे शहर में इतना अच्छा होटल कैसे मिल सकता है, लेकिन अच्छा मिल गया। और यहाँ से ये है बाहर का व्यू, बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये है सिटी के अंदर। तो थोड़ा सिटी के अंदर है ना, तो भीड़ भाड़ है, क्योंकि हमने सोचा हम मंदिर के आसपास लेते हैं, दूर नहीं लेते हैं। और यहाँ पे देखो काउच भी है, कितना सुंदर काउच है, तो यहाँ पे फोटो वोटो खींच सकते हैं। और मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा, दोनों रूम तो एक ही रूम है, इस रूम के अंदर दो पार्ट बना रखे हैं, एक सिटिंग और एक इधर। तो अब हम सीधा जाएंगे पहले पंडित जी के पास, वहाँ पूजा कराएंगे, फिर उसके बाद हम महाकाल के दर्शन करेंगे, उसके बाद अपने घर निकलेंगे, क्योंकि आज रात की फ्लाइट है 10:30 की। तो हम फिर पहुंच जाएंगे जल्दी घर पे, लेट हो गया है, मंदिर में पहुंचना था 9:00 और यहीं पे बज गए 9:00, आधा घंटा और लगेगा। ये हमारा ब्रेकफास्ट, जो कि काफ़ी हैवी ब्रेकफास्ट है। हम चेकआउट करके निकल रहे हैं, लेकिन बैग हमने यहीं पर रख दिया, और रिक्शा वाला भैया हमारे वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले रिक्शा भी बुक कर ली थी। रिक्शा से मौसम बिल्कुल सही हो रहा है, रिक्शा से हम जल्दी अब पहुंच जाएंगे, बिल्कुल अच्छा बढ़िया वाला मौसम हो रहा है। यहाँ से अभी 15 मिनट का रास्ता है, पहुंचने में हम जल्दी पहुंच जाएंगे। रात को बहुत ही बारिश आई है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। खुले खुले के हमें आ गए शहर से बाहर, और इतना अच्छा मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा, और इधर तो पेड़ ही पेड़ है, क्योंकि हम आगे जाके एक मंदिर है उसमें पूजा कराने वाले हैं। इधर से जाएंगे नीचे से, हम तो कहीं जंगल में आ गए। हमारी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, अभी थोड़ी सी बच्चे वो और कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने पूजा करी है, पंडित जी ने बहुत अच्छी पूजा कराई। अच्छी नदी है, नदी के यहाँ पे मंदिर बना रखा है, यहाँ पे भी पूजा हो रही है, यहाँ पे काल से अब दोस्त की पूजा हो रही है, ये है गौशाला। और अब हम महाकाल के आसपास पहुँच गए हैं अंदर। आज संडे है, मार्केट थोड़ी बंद है, लेकिन फिर भी भीड़ है। अब देखो कितना टाइम लगता है हमें अंदर, मे बी जल्दी नंबर आ जाए। यहाँ पे मैं लगवा रही हूँ महाकाल का टिक्का, महाकाल पे आए तो महाकाल का टिक्का नहीं लगाया तो क्या किया, तो चंदन के साथ ही लगाएंगे, चंदन मेरे पहले माथे पे लगा दिया, और अब महाकाल का नाम लिखेंगे। जय महाकाल बोल बोले। जय महाकाल, वही मंदिर है महाकाल अंकल, ठीक है ठीक है। और मैंने टिक्का लगवा लिया महाकाल का, जो कि उल्टा दिख रहा है, क्योंकि इसे बना रहे हो ना फ्रंट वाले कैमरे से, इस वजह से बड़ा अच्छा लग रहा है। और मैंने टिक्का लगवा लिया है, अब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं। देखो कितना टाइम लगेगा अंदर, बस हमें थोड़ा जल्दी है। सामान डालने के लिए बैग नहीं था, तो मैंने आप ही अभी 200 रुपये में बैग खरीद लिया, ठीक है काम चला हुआ है। अब यहाँ से ले रहे हैं प्रसाद, जो कि कमल का फूल भी साथ में है, और यहाँ पे हमने जूते भी निकाल दिए, क्योंकि ये यहाँ पे जूते सेफ रख लेंगे, यहाँ पे 2 नंबर है हमारे जूतों का, तो आके बोलेंगे तो ये हमें जूते दे देंगे।
ये प्रसाद ले लिया। अंदर तो शायद वीडियो ना बनाने दे, बार बार तो बना ही लेते हैं। पल निकाला है, हमारे पैर जल गए बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि हम बहुत जल्दी चप्पल निकाल आए थे। बहुत आगे तो भीड़ है, देखो कितनी भीड़ है। यहाँ पे शिखर दर्शन की हमें टिकट मिल गई। ऐसे टिकट कटा के फिर जल्दी से दर्शन कर लेंगे, फिर हमें इधर से भेजा जाएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ है कि बिना टिकट के तो नंबर ही नहीं आया। टिकट कटा के फिर प्रसाद लेके अंदर चले जाते हैं। अंदर तो दर्शन करके आ गए और अब हम मंदिर के अंदर हैं। यहाँ से हम अब वापस चले। ये मंदिर है महाकाल का। इतने में मेरा टिक्का भी बह गया, इतने पसीने आ रहे हैं। बाबा के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और अब तो बाबा जल्दी से फिर बुला ले। बस ऐसा रहेगा कि बाबा हर साल हमें जरूर बुला ले, और उससे पहले बुला ले तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ मार्केट से उतरी है, अब हम अपने जूते चप्पल लेंगे और फिर उसके बाद सीधा खाना खाएंगे, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है। सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट किया था होटल में और उसके बाद से बहुत भूख लग रही है, कुछ खाया पिया नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कोई अच्छा सा होटल वोटल मिल जाए या अच्छा खाना मिल जाए तो वहाँ खाना खाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करके आ गए महाकाल के, और अब हम यहाँ बैठे हैं खाना खाने के लिए। इतने देर पसीने पसीने हो गए, बहुत गर्मी हो गई। अब शुक्र है ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पे इसी वजह से बहुत गर्मी है, बहुत भूख लग रही है। 8 बजे की फ्लाइट है, नहीं 10 बजे की फ्लाइट है, तो हमें 8 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना है। यहाँ से एयरपोर्ट का रास्ता 2 घंटे दूर है। अभी बच चुके हैं 3, हमारे पास टाइम कम है, और अभी तो हमें भैरवनाथ जी के भी दर्शन करने हैं। इतनी दूर आके हम खाना खा रहे हैं, वो भी क्या दाल रोटी, इसकी वजह से, क्योंकि मुझे तो पसंद नहीं लेकिन इसको पसंद है दाल रोटी। इतनी दूर आके भी दाल रोटी खानी पड़ रही है। होटल के वहाँ से बैग उठाएंगे, फिर हमने टैक्सी बुला, टैक्सी से फिर हम जाएंगे भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, फिर एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। फाइनली होटल पर पहुँच गए, हाथ मुँह धो लिए, टैक्सी ले ली अपनी। अब जा रहे हैं हम बाबा भैरवनाथ के। कितना अच्छा अच्छा है यार यहाँ पे, मतलब ये है छिपरा नदी। छिपरा नदी के यहाँ पे ही सारी पूजा पाठ होती है, और ये नदी बहुत फेमस नदी है यहाँ की। अभी हम वापस है ना, काल भैरव बाबा के पहुँच गए। देखो यहाँ पे, पता नहीं अभी मंदिर और कितनी दूर है, क्योंकि इधर तो अभी तो टैक्सियाँ टैक्सियाँ दिख रही है। अभी तो काफ़ी दूर लग रहा है मेरे को मंदिर। यहाँ पे तो महाकाल से भी ज़्यादा भीड़ है, ऊपर से गर्मी भी बहुत है। भीड़ ही भीड़ है, वहाँ तक लंबी लाइन जाएगी, तब तो जाके गेट में पहुँचेंगे, वहाँ है गेट। पसीने भी बहुत तेज आ रहे हैं, बहुत भीड़। कम से कम 1-1.5 घंटे की लाइन में खड़े होके हम आखिर पहुँच गए, और यहाँ पे अंदर जाके अच्छे से बाबा के दर्शन हुए। उसके बाद हम निकले मंदिर से तो पसीने में तरम तर, और यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो इस वजह से ना सब कुछ उधल उथल भागा दौड़ी में सब कुछ हुआ है। मतलब सब इतनी भीड़ भाड़ वाला काम है, बस पूछो मत। जैसे गेट बंद कर देते हैं और इतनी भीड़ कर देते हैं, और कोई सिस्टम नहीं बेचारे, इतने गर्मी में ऐसे हम आए हैं। ये छिपरा नदी के ऊपर से दोबारा जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, मजे आ गए। वापस जाने लग रहे हैं, पहुंच जाएंगे अभी 10:30 बजे एयरपोर्ट से चलेंगे, फिर बहुत लेट पहुंचेंगे रात को। उज्जैन शहर बड़ा अच्छा है, यहाँ पे इतने मंदिर हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर हैं। इतनी गर्मी बन गई कि कोक पी के गर्मी को भगा रहे हैं। पसीने बहुत आए। दिनेश लो भाई आप भी पी लो थोड़ी सी, रख लो, कोई नहीं बाद में पी।